हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में एक बताऊंगा सिंपल में एक सिंपल स्लिप वेफ्टर, वो भी 5 इजी स्टेप पे बताऊंगा। चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट कर दे, वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस वेफ्टर सीखने से पहले आपको एक्सरसाइज करनी ताकि किसी प्रकार की इंजरी एंड सेफ प्लेस प्रैक्टिस कर ली। तो गाइस स्टेप नंबर फर्स्ट, वेफ्टर सीखने से सबसे पहले आपको एक हैंड स्प्रिंग आनी चाहिए एंड उसके साथ एक सिंपल सी कोई सी भी रोल हो। स्टेप नंबर टू, तो गाइस स्टेप नंबर टू में आपको क्या करना है कि आपको देखना कि आपका मूवमेंट किस तरह से है। किसी का मूवमेंट ऐसे होता है, कोई ऐसे मारता है एंड कोई बैकवर्ड जाके मारता है। एंड मेरा तो मेरे को इजी ये वाले मूवमेंट से पड़ता है एंड आपको देख लेना कि आपको किस मूवमेंट से पड़ता है। गाइस आपको क्या करना कि आपका जो लेफ्ट लेग होगा उसको करना है किक एंड राइट से लेफ्ट से करना है जंप एंड हैंड से करना है टच एंड एक रोल करना है कुछ ये। स्टेप नंबर थ्री, तो गाइस स्टेप नंबर थ्री में आपको क्या करना है, जो अभी आपने स्टेप नंबर टू पे किया करना सब चीज़ सेम है, बट इसमें आपको क्या ट्राई करना है, आपको हैंड को नीचे ज़मीन पर टच नहीं करना है, विदाउट टच करते हुए वेफ्टर करना है। इसमें आपको थोड़ा सा डर लगेगा बट आपको करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत गिरेंगे एंड करना पड़ेगा कुछ इस तरह से। स्टेप नंबर फोर, सो गाइस स्टेप नंबर फोर में आपको क्या करना है, आपको टक करना है जो आपको क्या आपको वेफ्टर करते हुए मतलब आपको मूवमेंट लेना है एंड लेग को करना है जितने हो सके उतने पावर से करना है स्विंग एंड जंप करना है। जब आप हवे में रहेंगे एंड जब रोटेट करेंगे ना तो आपको उस टाइम पे करना है टक। गाइस अभी अपन ने वेफ्टर किया, इन्वेस्टर तो किया बट उसमें आपकी लैंडिंग कुछ लो थी। लैंडिंग आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्या उसमें ज़्यादा पावर मतलब जितना हो सके उतना पावर से आपको वेफ्टर करना है एंड जितना हो सके उतना लेफ्ट को टक करेंगे, जितना क्लोज करेंगे ना वेफ्टर आपकी उतनी ही स्मूथ एंड क्लीन लैंडिंग होगी कुछ ऐसे। स्टेप नंबर फाइव, तो गाइस स्टेप नंबर फाइव में कुछ नहीं, आपने आपको जो मैंने स्टेप नंबर एक लेके स्टेप नंबर तक फोर तक जितने भी बताया आपको स्टेप बाय स्टेप सबको फॉलो करना है एंड आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वेक्टर की आपकी वेक्टर उतनी ज़्यादा क्लीन एंड परफेक्ट होगी एंड जल्दी आप सीखेंगे और एंड आप सेफ प्लेस में प्रैक्टिस करें जिससे आपको कभी आप गिरते फिरते हैं तो आपको इंजरी की प्रॉब्लम नहीं होगी। गाइस ये थी मेरी वेक्टर की ट्यूटोरियल, आई होप आप सबको पसंद आई होगी एंड आपको सीखने में हेल्प मिलेगी। तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड be happy for better life।